नमस्कार दोस्तों, मैं बिनी कुमारी फिर एक बार आई हूँ नए रेसिपी लेकर के अपने किचन में। ये अरबी है, अरबी को हम उबाल करके और नया तरीका से बनाने जा रहे हैं। तो अरबी को बॉयल कर लिया गया है, इसको हम छील लेंगे। इसके लिए ये मसाला जो है सभी है, ये एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है, बड़ा एक चम्मच है। एक बड़ा प्याज को पीस करके पेस्ट बना लिए हैं। ये एक टमाटर का पेस्ट है, आधा चम्मच हल्दी है और आधा चम्मच धनिया जीरा मिर्च के पाउडर है और एक चौथाई चम्मच चिकन मसाला है। ये है तीखा लाल मिर्च, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, उसमें डालने के लिए खटाई, खटाई बहुत जरूरी है। अमचूर पाउडर डालें या आम का चटनी डालें, वो ये चीज डाल दिया जाता है। स्वादानुसार नमक है, दो तेजपात लिए हैं, आधा चम्मच जीरा है और आधा चम्मच अजवाइन है फोरन के लिए। तो सबसे पहले हम इसको अरबी को हम छील लेंगे, इसको बॉईल करके हम रखे हुए हैं। इसको छील करके ऐसे आराम से छील लिया जाता है, बॉईल हो गया है। इसको आराम से जितना छिलका है छोटा मोटा सबको निकाल दिया जाएगा। साफ हो गया। दोस्तों ये अरबी हम छील लिए हैं सब, अब हम चूल्हा जला रहे हैं। चूल्हा जला देंगे, इसमें सूख जाता है तो इसमें फिर तेल रखेंगे। तब तक इसको हम इसमें एक एक चीरा लगा देते हैं। इसको बीच से हम फाड़ लेंगे। ऐसे फाड़ लेंगे। दो बड़ा चम्मच तेल लिए हैं, तेल गरम हो जाएगा फिर इसको तलाएगा। तब तक हम इसको कट कर लेते हैं। दोस्तों तेल गरम हो गया है, इसको भी इसमें चीरा लगा लिए हैं सबको। इसको हम फ्राई कर लेंगे। बहुत जल्दी बनने वाला है सब्जी, तो सब्जी बनाने में ज़्यादा देरी नहीं होती है। हल्का सा इसमें नमक छिड़क देंगे, एकदम थोड़ा सा। तला गया है दोस्तों, अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी में
फिर थोड़ा सा तेल इसमें डाल देंगे मसाला को फ्राई करने के लिए। इसको दो तेजपत्ता, थोड़ा सा जीरा, अजवाइन, अरबी के सब्जी में दोस्तों अजवाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, अजवाइन के बिना ये एकदम अधूरा रहता है। भले और मसाले छूट जाए, फ़ौरन छूट जाए, लेकिन अजवाइन नहीं छूटना चाहिए, अजवाइन इसमें बहुत ज़रूरी रहता है, इसका टेस्ट बढ़िया इसमें आता है। ये हो गया है, अब इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट प्याज है, टमाटर है, हल्दी, सभी मसाले को इसमें हम डाल देंगे। गरम मसाला को बाद में हम डालेंगे। ये नमक, अब मसाला को थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसमें खटाई और गरम मसाला। दोस्तों सभी मसाले भुना गया है एकदम, देखिए मसाला भुना गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रहेगा। ये गरम मसाला और ये खटाई, खटाई को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स हो गया है, अब इसमें हम सब्जी को डाल देंगे। अब ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर अरबी की सब्जी तैयार हुआ है। कैसा दिख रहा है अरबी के सब्जी दोस्तों, देखिए कितना सुंदर तैयार हुआ है ये। तो थोड़ा एक मिनट के लिए ढक करके इसको हम इसको ढक देने से इसमें मिल जाता है बढ़िया से इसका जो गमक है, सुगंध है, सब अंदर ही रहता है।
हो गया है सब्जी बनके तैयार है दोस्तों। उसको हम चूल्हा को ऑफ कर देंगे। अब हम इसको निकाल करके दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये मेरा अरबी के सब्जी कैसा बना है। अगर मेरा सब्जी अच्छा बना हो, वीडियो अच्छा बना हो, तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू, बाय।